गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्लभगढ़। बच्चों, क्लास फोर्थ। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2G वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सब्सट्रैक्शन कराने जा रही हूँ, जो कि मैं पहले भी करा चुकी हूँ, आज रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो ये कैसे करोगे, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, इन अ ईयर 1997 फैक्ट्री प्रोड्यूस 27,600 स्कूटर। 1997 में एक फैक्ट्री ने 27,600 स्कूटर बनाए और 1998 में उन्होंने उसी फैक्ट्री ने 4,565 स्कूटर कम बनाए। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कितने स्कूटर बनाए 1998 में। सिंपल है, ये लेस का सम है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। तो स्टेटमेंट पे लिखना है नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस्ड इन 97, उसके बाद लिखोगे 27,600 लिख दोगे, प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर डिक्रीज इन 97, कितने स्कूटर कम बने 98 में 97 से, तो इतने। अब इसको दोबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप इसको प्रॉपर लिख के यहीं पे लेस करके लिखोगे, नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस 1998 इक्वल टू दिस वन। ठीक है, और ऊपर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 डालना जरूरी है। ये सब, ये तीनों चीजें आप यहाँ इक्वल करके लिख दोगे। ठीक है, अगला है, एक आदमी है, उस पर इतनी प्रॉपर्टी है और उसने इतने रुपीज की प्रॉपर्टी बेच दी, तो कितनी बची। तो लिखेंगे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी रमेश हैड, रमेश पे कितनी प्रॉपर्टी थी, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी रमेश सोल्ड, कितनी बेच दी, लेफ्ट प्रॉपर्टी विद रमेश। तो उसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाला लेस करके करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये वाले सम हमें करने हैं। जैसे फर्स्ट सम है, गरिमा डिपॉजिटेड 10,000 इन हर बैंक अकाउंट, लेटर सी विड्रॉ 6,550 फ्रॉम इट, हाउ मच मनी देयर ही हैड इन हर अकाउंट। तो उसके अकाउंट में कितने रुपीज थे, 10,000, और उसने कितने विड्रॉ यानी निकाल लिए 6,550, तो कितने बचे। तो लिखेंगे गरिमा डिपॉजिटेड मनी इक्वल टू दिस, शी विड्रॉ मनी इक्वल टू रुपीज 6,550, लेफ्ट मनी ऊपर वाले में से नीचे वाला लेस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मेन चीज है, लेस तो आप कर दोगे, मेन चीज है इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखोगे। तो लिखेंगे गरिमा डिपॉजिटेड मनी इक्वल टू गरिमा विड्रॉ मनी, उसके बाद लिखेंगे गरिमा लेफ्ट मनी। इस तरीके से कर करके हम इसके आगे 10,000 लिखेंगे, इसके आगे 6,550, फिर इस ऊपर वाले में से नीचे वाला लेस करके जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये हमें स्टेटमेंट बनानी है, जैसे कि एग्जांपल में भी दी हुई है। तो आप चैप्टर 2 मैंने आज कंप्लीट करा दिया है, पूरा रिवीजन करोगे।